नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन में भला धन किसे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहत है, कामना है धन की, और धन से ही सब कुछ होता है। यह भी सच है, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो भला आप अच्छा कैसे पहनेंगे, अच्छा कैसे खाएंगे। तो आज हम बात करेंगे, आखिर बिना मांगे ही सारी मनोकामना कैसे पूरी हो जाए, कैसे गुरुवार के दिन आपको गौ माता का आशीर्वाद मिले, आखिर वो कौन से मंत्र हैं जो गाय को छूकर बोलना चाहिए, और क्या खिलाए कि आपका भाग्य ही बदल जाए, भाग्य मजबूत हो जाए। यदि भाग्य अच्छा होगा तो कोई भी काम में कहीं बाधाई नहीं आएगा, और अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप बहुत सारे उपाय भी करते होंगे। लेकिन आज हम आपको बहुत सिंपल उपाय बताएंगे, जो कि आपकी कुंडली के तमाम परेशानियों, तमाम दोषों को समाप्त कर देगा। आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में चार चांद लग जाएगा। गाय जो हमारे धर्म में माता का स्थान रखती है, और गौ माता हम कहते हैं। अब गाय को अगर विशेष वस्तु आप खिलाएं तो भाग्य आपका बदलते देर नहीं लगता। और गुरुवार के दिन अगर गाय को आप कुछ खिलाते हैं तो आपके इतना भी जीवन में परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो, उससे आप बाहर निकल ही आती हैं। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, और कई सदियों से गाय की पूजा भी हो रही है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, और इस उपाय में अगर आप कर रहे अपने हाथों से तो भाग्य बदल जाता है। कैसे करेंगे? गुरुवार के दिन किसी भी समय ग्रहों की बुरी दशा चल रही हो, बरकत खत्म हो गया हो, तब इस उपाय को जरूर करें, बरकत वापस आ जाएगी। कम से कम 5 गुरुवार आप कीजिएगा, बीच में छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 गुरुवार लगातार करने की कोशिश कीजिए। गाय को अपने हाथों से आपके घर में जो रोटियां बनती है, जो पहली रोटी है, आप उस रोटी को ले लें। अगर नहीं है पहली रोटी, कोई बात नहीं, कोई भी रोटी ले लें। अब रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी, याद रखिए थोड़ा सा घी, ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, और गुड़ रखिए, अपने हाथों से गाय को खिला दें। अगर गाय खाते समय आपका हाथ चाट ली तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना बस पूर्ण हुई, स्वीकार हो गई आपकी। ये जो आपने उपाय किया है, ये जो मनोकामना पूर्ति के लिए आपने उपाय किया है, आपकी मनोकामना स्वीकार हो गई। इसके बाद आप गौ माता को छुइए, संभव हो तो आप उनके कान में भी बोल सकते हैं, लेकिन गौ माता को छुइए। उसके बाद छूकर ओम नमः भगवती वासुदेवाय, ओम नमः भगवती वासुदेवाय 5 बार बोलिए, फिर अपनी मनोकामना कहिए, आपको क्या चाहिए। इसके बाद उन्हें प्रणाम करें और फिर अपने घर आ जाएं। अगर आपके घर में गाय है, गौ माता है, तो और अच्छी बात है। ये प्रयोग आपके भाग्य के दरवाजे को खोलता है। अगर आपके घर में सुमंगल कार्य बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, तब जब गाय को गुड़ रोटी घी लगा कर देंगे तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, सुमंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में जय विष्णुदेव लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।